सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक क्लब गोष्ठी मंडल को अनुरोध है कि वो अपने कार्यक्रम के समाचार वीडियो रिपोर्ट्स फोटोग्राफिक रिपोर्ट्स कोलकाता में साहित्य से संस्कृति और समाज का प्रतिबिंब आपका अपना साहित्य टाइम्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का साहित्य टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ तेजस्विनी रे। तो दोस्तों, कल हम गए थे एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, जहां पे लोगों ने अपने आर्ट को एक एग्जीबिशन के रूप में बाहर लाया। उन्होंने अलग अलग तरीके के पेंटिंग्स एग्जीबिशन में लाए और हर पेंटिंग का एक अलग मैसेज था, एक अलग रूप था, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत और काफ़ी अच्छा था। तो वहाँ पे जिन लोगों ने इन पेंटिंग को बनाया था, उन लोगों से हमने बातें की कि उनको अपनी पेंटिंग को लेकर क्या कहना था, कैसे एक्सपेक्टेशंस थे और वहाँ का माहौल कैसा था, ये भी हमने देखा। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं, तो आइए देखते हैं इसे। इस समय मैं मौजूद हूँ एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के अंदर, और जहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग को दर्शाया गया है। और इस समय मैं जिनसे बात करने जा रही हूँ, वो भी एक आर्टिस्ट है और उनका नाम है नुपुर जायसवाल। तो सबसे पहले मैम, मैं आपका साहित्य टाइम्स में स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ इस एग्जीबिशन के बारे में, आप हमारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? ये हम लोगों का एक ग्रुप एग्जीबिशन है जिसमें हम 7 आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। इसमें मैं हूँ, मेरे साथ और भी 6 आर्टिस्ट हैं। हम लोग सब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं और हम लोग समय समय पर इस तरह की प्रदर्शनी लगा करके हमारी जो भी कलाकृतियाँ होती हैं उनको हम लोगों के सामने रखते हैं, ताकि लोग उन्हें देख सकें और जो लोग उन्हें खरीदना चाहते हैं वो खरीद भी सकें। तो दोनों तरह के ही लोग आते हैं, कुछ सराहना करने के लिए आते हैं और कुछ खरीदारी करने के लिए भी आते हैं। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितने सालों से ये एग्जीबिशन आप लोग करते आ रहे हैं? ये देखिए, एग्जीबिशन का सिलसिला तो चलता ही रहता है। हम लोग सब काफ़ी समय से पेंटिंग कर रहे हैं, जैसे मैं तो बचपन से ही पेंटिंग कर रही हूँ, और हमारे जो बाकी साथी कलाकार हैं उनकी भी 4-5 प्रदर्शनियाँ हो चुकी हैं। मैंने प्रदर्शनी में हिस्सा पहली बार लिया है, तो बनाई तो बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, पर इस बार मैंने फैसला किया कि चलो इस बार हम भी प्रदर्शनी में अपनी जो पेंटिंग्स हैं उनको सामने रखते हैं। यहाँ पे कितने पेंटिंग को रखा गया है, जैसे कि देख रहे काफ़ी सारे पेंटिंग है, तो मैं जानना चाहूँगी। कुल मिलाकर के लगभग 80 पेंटिंग्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले की हैं, और जिसमें 7 हम आर्टिस्ट हैं, तो किसी की 11, किसी की 10, किसी की 12, तो कोई ऐसा फिक्स्ड नंबर नहीं है, पर कुल मिलाकर करीबन हर व्यक्ति की 8-10 या उससे ज़्यादा। मतलब एक लोग कितने पेंटिंग बनाए हैं, एक लोग क्या एक ही बनाए या कई सारे बनाए? कई सारे बनाए हैं हम लोगों ने, जो यहाँ लगाया है उससे भी ज़्यादा कहीं बनाया है, पर यहाँ स्पेस के मुताबिक यहाँ पर जितना, जैसे कि जिनकी छोटी हैं तो उन्होंने ज़्यादा लगा ली, तो हमने 7 बराबर हिस्सों में इसको सजा करके और प्रस्तुत किया है। बनाई तो इससे कहीं ज़्यादा हैं। तो सबसे खास बात, आपने कहा कि आपने अपनी पेंटिंग को पहली बार यहाँ पर दर्शाया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और क्योंकि मैं पेंटिंग तो बहुत समय से करती रहती हूँ, लेकिन सबसे एक कलाकार को जब और लोग उसको देखते हैं और सराहना करते हैं तो लगता है उसको कि मेरी मेहनत सफल हुई। तो आपके अंदर ये कला था इतने सालों से, तो आपने कभी बाहर लाने का मौका क्यों नहीं किया, या फिर कभी कोशिश क्यों नहीं की? दरअसल शुरुआत में तो बहुत दिनों तक करती रही, और उस समय समझिए स्कूल कॉलेज का ज़माना था, तो पढ़ाई के साथ साथ शौकियाना तौर पर करती रही, और बीच में एक बहुत बड़ा अंतराल आ गया,
जब मैंने पेंटिंग किया बहुत कम किया, पर पिछले साल मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये अपनी जो प्रतिभा है इसको एक बार दोबारा इसको संवारना है, तो पिछले साल से मैंने पेंटिंग्स दोबारा करनी शुरू करी, तो इसलिए इस साल के शुरुआत में ही मैंने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। तो ये पेंटिंग आप लोग मतलब जैसे कि एग्जीबिशन करते हैं तो कितने दिन पहले इसकी तैयारियां करते हैं कि ऐसे एग्जीबिशन करना है या फिर ऐसे पेंटिंग को दर्शाना है हमें? पेंटिंग कलाकार जो है ना वो बनाता ही रहता है, और जब कभी एग्जीबिशन का मौका आता है तो जो उनके पास तैयार चीज़ें रहती हैं उनमें से कुछ चीज़ों को चुनते हैं, और कई बार ये भी होता है कि अगर पहले से हम सोच लेते हैं कि एग्जीबिशन में रखने के लिए हमें क्या क्या बनाने, तो कभी एक थीम के ऊपर कुछ बना लेते हैं। जैसे आप यहाँ की पेंटिंग्स में देखेंगे कि कई एक हैं जो किसी एक खास थीम को लेकर के बनाई गई हैं, तो ये दोनों तरह के होते हैं कि जो यूं ही बनाते रहे हैं हम वर्क्स उनको लेकर के, और कुछ खास तौर से प्रदर्शनी आने वाली है तो उसके लिए हम बनाएं, उस तरीके से भी होता है, तो दोनों तरह से बनाते। और मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ जैसे कि आपने कहा कि 80 पेंटिंग को रखा गया है, तो क्या सभी कोई यही कोलकाता के हैं या फिर कोलकाता के बाहर से? सभी कोलकाता निवासी हैं, कोलकाता या उसके आसपास के रहने वाले लोग। मतलब कितने सालों से सब जुड़े हुए जो आपके साथ अभी इस समय मौजूद है या फिर पेंटिंग को बनाने में काफ़ी सहायता हुई है एक दूसरे के साथ, तो कितने सालों से आप? ये करीबन मुझे हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से जुड़ता चला गया है, और यहाँ पर एक आर्ट इंस्टीट्यूट है आर्ट खस्तगीर के नाम से, सदन एवेन्यू के पास साउथ एंड पार्क में, तो वहाँ पर हम लोग सभी किसी न किसी तरीके से उससे जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे लोग अपनी कला को निखारने के लिए उससे जुड़ते हैं। जहाँ पर कुछ मेंटर्स हैं हमारे, वो हमें और सहायता करते हैं कि हम और अच्छी तरह से अपने पेंटिंग्स को प्रस्तुत कर सकें, तो हर यहाँ पर जो 7 आर्टिस्ट हैं वो किसी न किसी तरीके से उससे जुड़े हुए रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि आगे पेंटिंग को लेकर के आपकी क्या सोच है? अभी जो भी हमें फीडबैक्स मिल रहे हैं उससे हमें कुछ एक तो गाइडेंस मिलती है कि हाँ किस तरह के किस स्टाइल को और बनाएं हम लोग, या किस दिशा में बनाएं, किन सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाएं, लोगों को क्या ज़्यादा पसंद आता है, या हमें हम जो अपनी चीज़ रख रहे हैं वो कितनी अप्रिशिएट हो रही है, तो और एक उत्साहवर्धन होता है और थोड़ा हमें एक डायरेक्शन भी मिलता है। तो क्या आपने इससे पहले कोलकाता में ही किया है ऐसा एग्जीबिशन या फिर कोलकाता के बाहर भी कहीं किया? नहीं, एग्जीबिशन एज इट इज़ मैंने एग्जीबिशन में पहली बार हिस्सा लिया है, और इंडिविजुअल के तौर पे स्वतंत्र रूप से तो बनाती रही हूँ और इंडिविजुअली दिखाती रही हूँ लोगों को, लोगों ने सराहना भी की है, कई लोगों ने पेंटिंग्स भी ली हैं, पर ग्रुप के तौर पे ये पहली बार किया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे 80 पेंटिंग को लगाया गया, 80 पेंटिंग में ऐसी कौन सा पेंटिंग जो हमारे समाज में कुछ मैसेज जाए या कुछ संदेश जाए आज के युवाओं को, ऐसे कुछ खास पेंटिंग? यहाँ पर लगी हुई कई पेंटिंग्स, मैं किसी एक को तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन कई एक पेंटिंग्स जो यहाँ पर लगी हुई हैं, जैसे यहाँ खासतौर से यहाँ जो 4 पेंटिंग्स लगी हुई हैं, इसके बारे में मैं चाहूँगी कि जो आर्टिस्ट हैं वही बताएंगे तो और अच्छा रहेगा, और उस तरफ भी कुछ एक लगी हुई हैं उनकी, वो भी आर्टिस्ट जो हैं वो अगर कुछ बता पाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं चाहूँगी उन लोगों को आप बुलाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप देख रहे हैं कि एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग को दर्शाया गया है। Thank you.
जानेंगे कि यहाँ पे बहुत ही सारे 80 पेंटिंग को दर्शाया गया है। तो आइए जानते हैं इस पेंटिंग को जिन्होंने बनाया। जैसे कि मैंने इससे पहले नुपुर जी से पूछा कि यहाँ पे 80 पेंटिंग में ऐसा कौन सा पेंटिंग है जो हमारे समाज में जिससे मैसेज जाए, खास करके आज के युवाओं को। तो आइए इनसे जानते हैं, आपका नाम? अर्जुन। आपकी पेंटिंग में आपने यहाँ पेंटिंग बनाया, तो आपके पेंटिंग से ऐसा हमारे समाज में जो कुछ मैसेज जाए, मैं जानना चाहूँ। मैं एक मैसेज से जो समाज के लिए ये है, जो हम लोग अभी जाकर भी सो रहे हैं तो हम डॉग क्या करता है, सब हर टाइम एक्टिव रहता है, उसका ब्रेन बहुत शार्प है, उसका ब्रेन हमारे पास भी उतना शार्प होता तो बहुत अच्छा। मैं जानना चाहूँगी कि आपके अंदर जो ये कला है ये कितने सालों से? बचपन से ही है, मैं किसी इंस्टीट्यूट से मैं पास किया नहीं हूँ, तो कोई कॉलेज, आर्ट कॉलेज अपने आप ही, और एक इंस्टीट्यूट था जहाँ पर हम सभी लोग करते थे, तो उसके बाद हम सब ये ग्रुप एग्जीबिशन कर रहा है। मतलब आपने यहाँ फर्स्ट टाइम अपनी पेंटिंग को दर्शाया या फिर इससे पहले भी? इससे पहले मेरा 4-5 तो ग्रुप एग्जीबिशन हो गया है। कोलकाता या फिर कोलकाता के बाहर? कोलकाता में। मतलब पेंट आर्ट्स को लेकर के आप क्या सोचते हैं, मेरे को ये जानना है कि आज के आर्ट्स को लेकर मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए मैं आर्ट करता हूँ।
आपने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा पेंटिंग नहीं रखा गया है, बहुत ही अलग और बेहद खूबसूरत रखा गया। और मैं नूपुर जी का जो उन्होंने जो अपनी पेंटिंग जो फर्स्ट बार उनके अंदर ये कला काफ़ी दिनों से, लेकिन उन्होंने अपनी पेंटिंग को फर्स्ट टाइम यहाँ पे दर्शाया, तो मैं जानना चाहूँगी कि उनकी पेंटिंग यहाँ पे कौन सी है। आइए हम लोग यहाँ पे तो चलिए देखते हैं कि नूपुर जी की पेंटिंग यहाँ पे कौन सी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से उनकी पेंटिंग की शुरुआत की गई है। तो मैम मैं जानना चाहूँगी इस पेंटिंग के बारे में कि इसमें आपने क्या बनाया। चर हैं प्रकृति में जो तत्व मौजूद हैं उनको, जैसे पानी है, अर्थ है, सन है और वेजिटेशन है, तो इन चारों चीज़ों को मैंने ये सेट ऑफ फोर पेंटिंग्स है इसमें मैंने दर्शाया है। दूसरे पेंटिंग की तरफ बढ़ते हैं और जानूंगी कि दूसरे पेंटिंग में क्या है। इस पेंटिंग का टाइटल है द इनविंसिबल स्पिरिट, यानी हमारे अंदर की वो शक्ति जो कभी भी हार नहीं मानती है। तो यहाँ पर मैंने वो दिखाने की कोशिश की है। वो छोटे छोटे आकार की मछलियाँ हैं और ये जो लहरें हैं ये हमारे जीवन की सिचुएशंस या तरंगे हैं जो कई बार ऐसा लगता है कि हम उनके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, कि सिचुएशंस चाहे हमें जिधर भी ले जाती हैं, लेकिन जब हम अपने आप पर नियंत्रण कर लेते हैं तो फिर हम, जैसा इस सर्वे में दिखाया गया है, कि फिर हम अपने तय रास्ते पर चल पाते हैं और सिचुएशंस फिर हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये हमारी जो इनविंसिबल स्पिरिट है ये इसको दिखाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी मैं देख रही हूँ कि बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ नज़र आ रही है मुझे, लेकिन मैं उनसे ही जानना चाहूँगी कि इनका मेन मकसद क्या है। ये इस पेंटिंग का शीर्षक मैंने दिया है हारमनी, जिसमें अलग अलग साइज़ अलग अलग डायरेक्शन में हैं लोग, जैसे लोग एक अपनी पहचान होती है, पर उसके बावजूद यहाँ पर मैंने एक हारमनी दिखाने की कोशिश की कि सब अलग अलग होने के बावजूद भी मिलजुल कर एक पेंटिंग के चौखटे के अंदर वो एक बहुत हारमोनियस तरीके से प्रस्तुत हो रहे हैं। तो ऐसे ही हम समाज में भी चाहें तो अपनी निजी पहचान को बनाए रखते हुए भी इकट्ठा भी खूबसूरत लग सकते हैं। आपने देखा कि तीसरे पेंटिंग की जो मैम ने बात कही बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस पेंटिंग को दर्शाया है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे की पेंटिंग के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि इस पेंटिंग का नक्शा। ये तीन स्केचेस हैं, पेंसिल स्केचेस हैं, और इन तीनों में मैंने अलग अलग जो भाव हैं व्यक्ति के भाव उनको पकड़ने की कोशिश की है। जैसे ये एक वृद्ध महिला का चित्र है जो अपने ख्यालों में खोई हुई है, तो उसको ट्रांस मैंने दिया है नाम, जो ट्रांस जैसी स्थिति में अपने आप में ही मग्न है वैसी स्थिति में है। और इसका नाम दिया है लॉस्ट, जो अपनी ही दुनिया में अपने ख्यालों में कहीं खोया हुआ है। और ये है ऑन लुकर जो दूर से चीज़ों का नज़ारा देख रही है कि हाँ क्या हो रहा है। अलग अलग भाव हैं जो कैप्चर करने की कोशिश की गई है। आगे देख रही हूँ कि मैम बहुत ही खूबसूरत एक पेंटिंग नज़र आ रही है, तो मैं इस बारे में चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये इसको जेंटेंगल आर्ट बोलते हैं। ये पेन से बनाया गया है कागज़ के ऊपर और इसका शीर्षक मैंने दिया है द फायर ऑफ लाइफ। तो पीछे में सूरज है और जो सूरज की ताकत या रोशनी या ऊर्जा, वो वही देखा जाए तो पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा का एक स्रोत वो है। और वो ऊर्जा हम जब हम ले करके अपने साथ चलते हैं तो हमारे अंदर भी लाइफ फोर्स, जीवन की जो शक्ति है वो आ जाती है, वो दिखाने की कोशिश की। आगे भी मैम ये शायद मेरे को लग रहा है लास्ट पेंटिंग है आपकी, तो इस बारे में मैम पेंटिंग है इस, ये भी जेंटेंगल आर्ट है और इसका नाम मैंने दिया है द पावर विद इन। हमारे सबके अंदर एक बहुत शक्ति है जो कई बार हम पहचानते कई बार नहीं भी पहचानते हैं, और जब पहचानेंगे तब पता चलेगा कि वो इतनी शक्तिशाली है। जैसे हाथी के अंदर जैसे शक्ति होती वैसे ही शक्ति जो है वो हमारे अंदर भी है, तो इसको सामने लाने की कोशिश की है। तो आपको मैं क्या बताऊँ, शायद मैं जितना भी कहूँ कम पड़ जाए, क्योंकि नूपुर जैसे सवाल जिनके अंदर ये कला होने के बावजूद भी उन्होंने आज तक कभी दर्शाया नहीं, और इस कार्यक्रम में उन्होंने ये पहली बार अपनी पेंटिंग को दर्शाया है, तो मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि उनके अंदर ऐसी कला थी और आज उन्होंने सबके सामने दर्शाया अपनी पेंटिंग। तो अगर आपने देखा हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, तो मैम कुछ खास बात आपके पेंटिंग के बारे में मैं जानना चाहूँगी। खास ऐसा कुछ मैं कैसे बता सकती हूँ कि क्या खास है, आपने देखा है शायद एक दर्शक के नज़रिए से आप सोच सकें। मेरे मन में जो ये रहता है सिर्फ ये कि मैं कुछ अलग बनाने का प्रयास करती हूँ, जो सभी लोग बना रहे हैं उससे अलग कुछ मैं सामने रख सकूं, जो देखने में भी अलग हो
और उसके साथ साथ उसमें कोई ना कोई एक आकर्षित करे और कोई संदेश भी दे। ऐसा ही होना ही चाहिए कि आज का मेन मकसद और मेन मुद्दा वही है कि कुछ भी हो तो ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे, क्योंकि देखा जाता है कि आजकल अगर कुछ कविता भी हो तो वो हमारे समाज में मैसेज जाए, तो पेंटिंग में बिल्कुल जाहिर सी बात है मैं भी यही चाहूँगी कि अगर कुछ ऐसा देखने को मिले जिससे हमारे समाज में और आज के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको कुछ समझने को मिले। बिल्कुल, तो मेरा यही उद्देश्य रहता है और ये हमारे दर्शक ही बता पाएंगे कि हमें इसमें कितने किस हद तक सफल हुई हूँ। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि कितने सालों से आप ये करते आ रही हैं और आगे पेंटिंग को लेकर के आपका क्या ख्याल है? मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ और अभी पिछले साल से इसको दोबारा मैंने वापस शुरू किया है सीरियसली, जिसमें लगातार कई एक पेंटिंग्स और बनाने का इरादा है। तो हाँ, बनाऊँगी और अभी ग्रुप एग्जीबिशन हो रहा है, उम्मीद करूँगी कि आगे इतनी सारी बना लूँ कि सोलो एग्जीबिशन भी कर सकूँ, सिर्फ कलकत्ते में ही नहीं, दूसरे शहरों में, भारत में, भारत के बाहर बड़े बड़े शहरों में जहाँ मौका मिले वहाँ तक अपनी कला को पहुँचा सकूँ। फिलहाल तो यही उद्देश्य है। चाहूँगी कि आपके अंदर इतनी अच्छी कला छुपी हुई है, उनको आप ज़रूर आगे तक ले जाएं और ना कि कलकत्ता तक ही ना सीमित रखें, बाहर तक भी लाएं, क्योंकि ऐसे कला रहते हैं लोगों के अंदर बट वो बाहर लाने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आपके कला जो आपके अंदर की वो कला है, वो हुनर है, वो लोगों तक दिखे और लोग आपकी कला को काफ़ी पसंद करें। अब मैं आगे बढ़ी हूँ और आई हूँ 53 नंबर, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग लग रही है। तो इन्होंने इस पेंटिंग को जिन्होंने बनाया है, चलिए उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? नमस्ते, त्रिदीप बोस। मैं जानना चाहूँगी कि
आपने इस पेंटिंग को बनाया है, तो इस पेंटिंग में ऐसा क्या है, मैं जानना चाहूँगी, चाहूँगी कि आप हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उन्हें बताएं। मैं एक दिन में एक जगह में गया था, मैं पहाड़ में गया था, तो मैं पेंटिंग ऐसा कार्ड का मतलब सूरज उगड़ा ऐसा दिखा था, तो मैं सोचा इसको मैं कैनवास से बनाऊँ, तो मैं अपने हिसाब से ये बनाया कैनवास में, तो इसमें अलग अलग रंग डाले, तो अलग अलग अपने से जैसे से ये बनाया। के आगे कई सारे पेंटिंग है, मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपनी पेंटिंग के बारे में। दुर्गा पूजा में ये दुर्गा का फेस बहुत फेमस है, तो दुर्गा के हिसाब से दुर्गा में बहुत तरह की चीज़ डाल कर बनाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। देख रहे हैं कि मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि एक घर है और बगल में पेड़ है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये विलेज में मैं गया था, मैं दक्षिण 24 परगना में गया था, विलेज है उधर, तो वैसे टाइप का ही है, मैं उसको अपना तरफ से बना के इधर डाला हूँ कैनवस पे। हाँ, सब कुछ मैं देख कर ही बनाता हूँ, मैं जो लाइफ देखता हूँ मैं उसको मैं फ़ोटो में क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद उसको कैनवस में मैं डाल कर बनाता हूँ। हुनर कितने सालों से है? मैं ये बचपन से पेंटिंग कर रहा हूँ। आगे का क्या प्लान है पेंटिंग को लेकर? आगे मैं ये चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपने इससे पहले कहीं किया है या फिर कोलकाता में या फिर कोलकाता से बाहर? मैं एक बचपन से कोलकाता में रह रहा हूँ, मैं दिल्ली में एक साल गया था, उधर मैं कुछ कोर्स किया था निफा में, तो उधर उसके बाद मुझे कोलकाता में वापस आना था, इधर जाकर मेरा सुनीति खासी की एक स्टूडियो है मैम का मेरा, उधर मैं करता हूँ, वहाँ से मैम से मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, उसके बाद मैं अपने आप एग्जीबिशन कर रहा हूँ। हमारे दर्शकों को आप जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ ये पेंटिंग बहुत ही मन से करना पड़ता है, तो अगर ये जो करे तो अच्छा लगता है पेंटिंग करने से, मन को शांति मिलती है। तो आपने देखा एकेडमी फाइन आर्ट्स में बहुत ही खूबसूरत 80 पेंटिंग को दर्शाया गया है। और
कैमरामैन देवाशीष दा के साथ मैं ऋतु साहित्य टाइम्स। तो अभी हमने आपको दिखाया ये आर्ट एग्जीबिशन जिसमें अलग अलग आर्टिस्ट ने अपने अलग अलग पेंटिंग्स को हमारे सामने रखा और उसे बेहद ही एक अलग सा रूप दिया। तो आज के लिए साहित्य टाइम्स में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए साहित्य टाइम्स। सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक क्लब गोष्ठी मंडल को अनुरोध है कि वो अपने कार्यक्रम के समाचार, वीडियो रिपोर्ट्स, फोटोग्राफिक रिपोर्ट्स, कोलकाता में साहित्य से संस्कृति और समाज का प्रतिबिंब, आपका अपना साहित्य टाइम्स। लाइट से लेकर कैमरा तक और कैमरों